तो गाइस आज हमारा जरा एग करी आप इस तरह बना सकते हैं। तो हमने डबल करके रख दिए, तो हमने एग को कर रहे हैं फ्राई, तो इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो आप इस तरह बने, तो पैन में ले लिया हमने तेल, इसमें डाल गया जीरा और इसमें छोटी इलायची होगी, बड़ी इलायची, स्टार फूल, तेज पत्ता, मसाले कर दिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा इसको तड़कने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, ये हमारे यहाँ मसाला तड़क गए, हमने प्याज इसमें ऐड कर दिया है। हमने प्याज प्याज को हम अच्छी तरह भूनेंगे, ये ब्राउन हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, या हमने टमाटर पीस रखे हैं, हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह भूनेंगे इसको। तो भूनने के बाद हम इसमें जो हमारा भून जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हमारा पहले भून चुका है, तो हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद थोड़ी चलाएंगे इसको, तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा डालेंगे टमाटर जो हमने पीस कर रखे थे, तो देखिए मिर्च, उसके बाद हम टमाटर फिर डाल देंगे, थोड़े हम इसको भूनेंगे। फिर हमने टमाटर जो पीस के रखे हुए थे हमने इसमें डाल दिया है, तो थोड़े इसमें उसके बाद हम इसको चलाएंगे, तो थोड़ा प्यारा सा कलर आ गया है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ये हमारे एक टमाटर के साथ इसका बहुत ही कॉम्बिनेशन है इसका। तो उसके बाद हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर इसको हम थोड़ा पकाएंगे। तो थोड़ी सी हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे, अपना जीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, तो थोड़ा नमक डाल दिया हमने स्वाद अनुसार, आप इस तरह तो जीरा पाउडर डाल दिया, तो धनिया पाउडर डाल दिया, फिर चलाएँगे। तो इसको जब हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाएंगे, पकाने के बाद हम इसमें थोड़े ऐड करेंगे क्रीम, थोड़ी क्रीम ऐड करेंगे। तो हमने अब क्रीम ऐड कर दी है, क्रीम से एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, ये फैट वाली क्रीम नहीं है। तो हमने इसको अच्छी तरह पका के, तो उसके बाद जो हमने अंडा फ्राई किया, हमने फैन इसमें अंडे डाल दिए। तो गैस हमारे यहाँ पर एग कड़ी बन के रेडी होने वाली है। थोड़े हम इसमें एक ग्रेवी लगाएंगे, अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे। तो फाइनली हमारे यहाँ पर